कौन ही मिस करेगा, इसीलिए हम लोग ने आज डिसाइड किया है कि आज हम लोग रेस्ट डे रखेंगे। 3 दिन से कंटिन्यूस ट्रैवलिंग हो रही है इसीलिए, और ये व्यू एंजॉय करेंगे। यहाँ से देखिए रिवर भी जा रही है, देखिए ये है रिवर। इस होटल में हम लोग रुके हैं ना, वो अपार्टमेंट कम होटल है, जस्ट लाइक अ एयरबीएनबी, बट इसमें सेपरेट सेपरेट रूम है सबके। कि एंटर करोगे ना, एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, और फिर उसके बाद अंदर आएंगे तो सिटिंग रूम है, सिटिंग एरिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसका फर्स्ट फ्लोर, ये भी देखिए, यहाँ से ऊपर जाके हमारा रूम है। 3 रूम इधर है, ऊपर 3 रूम है, नीचे भी 3 रूम है, और ये देखिए इधर स्टेयर्स है नीचे जाने के लिए। तो ना ये ओवरऑल ये जो प्रॉपर्टी ना बहुत सही है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर ना एक कॉमन किचन है जहाँ पर ना गेस्ट अपना सामान लाकर खुद ही कुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको गर्म पानी चाहिए, कॉफ़ी बनाना है, टी बनाना है, तो कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे इतने सारे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी, कोई भी अगर आपको प्रॉपर खाना बनाना है ना तो उसके लिए भी है। ये है यहाँ का कॉमन सिटिंग एरिया जहाँ पर आप बैठ कर अपना काम कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक बैठने की जगह है, और अगर इनकेस आप चेकआउट करके घूमना चाहते हो तो आप अपना बैग भी यहाँ पर रख सकते हो। और अब मैं दिखाती हूँ किचन, ये किचन है, सब चीज़ है यहाँ पे, माइक्रोवेव है, इवन फ्रिज है, फ्रिज में भी आप अपनी चीज़ें लेकर आओ और अपने हिसाब से जो आपको रखना है वो यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारी क्रॉकरीज वगैरह आपको मिल जाएगी, प्लेट्स रखी हैं, आपको यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं। देखिए ग्लास है, प्लेट्स है, बोल्स है, तो ये बेस्ट चीज़ है। और फिर आपको ने यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद आप यहाँ से वॉश करके यहाँ पर रख दीजिए। इवन यहाँ पर एक देखिए डाइनिंग एरिया भी है जहाँ पर आप पका के आराम से खा सकते हैं। तो ओवरऑल ना ये स्टे मुझे बहुत पसंद आया। हम लोग निकल गए हैं फाइनली, आज दिन भर से अभी निकले इतना लेट। जनरली क्या होता है ना, हम लोग सुबह सुबह जल्दी नहा धो के निकल जाते हैं ताकि अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। अब बहुत ज़ोरदार भूख लगी है, अब तो कुछ खाना ही पड़ेगा। ये जो लश ग्रीन माउंटेन्स आप अभी देख रहे हैं ना, आप ये समर चल रहा है इसलिए ये पूरे ग्रीन है, जब अगर आप विंटर में आएंगे तो ये कंप्लीट वाइट होता है, बहुत स्नोफॉल होता है, तो यहाँ पे सब चारों तरफ पूरा बर्फ ही बर्फ होता है। बहुत ही सूदिंग टेम्परेचर है, ऐसे में घूमने का मज़ा आता है, धूप निकलती है तो व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है, घूमने में मज़ा भी आता है। यहाँ पर तो क्या होता है, धूप भी निकली होती तो भी बारिश हो जाती है, अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। तो फाइनली एक इंडियन रेस्टोरेंट में आ गए, 2 रेस्टोरेंट अभी तक हम लोग को मिला, एक जहां हमने कल शाम को खाया था और एक अभी, ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आलू पराठा मंगाया हमने, कि भूख लगी थी इनसे तो बिल्कुल वेट ही नहीं हुआ। यह वेज पुलाव, आलू पराठा, वेज पुलाव और एक सैलड मंगाया, प्लेट सैलड। फाइनली कुछ खाया तो अभी थोड़ा राहत मिली है, थोड़ी देर पहले धूप थी और अब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल लग गई है ना, यहाँ पे एकदम ठंड सी होने लगी है। फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा वॉक करते हैं, घूमते हैं, आसपास देखते हैं कि क्या है। वैसे तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ना बादल और पहाड़ नज़र आने वाले हैं, और पल पल में बदलते हुए मौसम, मस्त एक्सपीरियंस है अभी तक का इस टाउन में। यार देखो कितनी ठंडी हवा जो चल रही है ना, ये फ्लावर देखो यहाँ पे, आपको ना चारों मतलब जहाँ पे भी आपको ग्रीन दिखेगा ना वहाँ पर आपको ये पर्पल येलो वाइट फ्लावर नजर आएंगे। जब विंटर के टाइम पे ये फुल्ली स्नो से कवर्ड होता है तो यहाँ सब चीजें वाइट, पेड़ों में भी वाइट स्नो आ जाता है। विंटर में ड्यूरिंग द समर ये एकदम लश ग्रीन होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, जैसा ये अभी है। ये छोटा सा वाटरफॉल और यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, और ये इसका पूरा कंप्लीट व्यू ऐसा है।
देखो ये वैली फुल ऑफ फ्लावर्स यार, बटरफ्लाई। ये जॉर्जियन रशियन बॉर्डर के पास है, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाके रशिया बॉर्डर आ जाएगा, तो यहाँ से आप रशिया भी जा सकते हैं, यहाँ से आप अर्मेनिया जा सकते हैं, यहाँ से आप टर्की भी जा सकते हैं, और इवन जॉर्जियन लोगों को पता है टर्की जाने के लिए वीजा भी नहीं लगता है। लुक एट द लैंडस्केप यार, कितना अमेजिंग है एकदम, हमारा रूम दिख रहा है यहाँ से। एक्सप्लोर करते करते हम लोग ऐसी जगह पर पहुंच गए, सोच रहे थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि आज का दिन हम लोग रिलैक्सिंग रखने वाले हैं, तो लिटरली हम लोग ये ऐसी जगह पर आ गए ना जहाँ से चारों तरफ से पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और इतना लश ग्रीन, इतनी ग्रीनरी है ना, इतना सुकून मिल रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, तो और कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ हम लोग काफ़ी देर से लेटे हुए हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, यहीं पर बैठ के काफ़ी सारी पिक्चर्स भी ले ली, तो मस्त रहा आज का दिन फुल ऑन रिलैक्सिंग, क्योंकि कल फिर से पूरा दिन निकलना है। यहाँ से हम टिबलिसी जाएंगे, टिबलिसी के बाद हम कुटैशी जाएंगे, तो कल का दिन बहुत ट्रैवलिंग वाला होने वाला है, तो ये मस्ट नीडेड था एक दिन जहाँ हम रिलैक्स कर पाए। कज़बेकी में ना एक बहुत ही फेमस जो यहाँ का आइकॉनिक लैंडमार्क है वो है यहाँ का गैरगेटी ट्रिनिटी चर्च, जो यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर है, और ऊपर है वो देखिए, ये है वो चर्च। तो ना ये प्लेस है, ये जो प्लेस है ना, यहाँ पर आप टिबलिसी से जो भी बड़ी बड़ी वैन में, मिनी वैन में आएंगे ना, तो वो आपको यहाँ तक लेकर आएंगी, मतलब आपको यहाँ से ना कार में ऊपर लेकर जाएंगे, उसका 20 लारी लगता है ऊपर लेकर जाने के लिए। बाहर बारिश हो रही है और हम बाहर से भुट्टे ले आए थे, क्योंकि यहाँ पे किचन था तो हमको था कि हम सेक लेंगे, और क्योंकि सेके हुए तो यहाँ मिलने से रहे, इसलिए देखो अब हम अभी सेक रहे हैं भुट्टे। नाइस, ये इनने सेक दिया। ये नींबू हम ले आए थे मार्केट से, नमक यहाँ पर इन्होंने दे दिया था, और ये ऐसा भुट्टा सिक रहा है। सलाद तो रेडी हो गया है, लेकिन जो मेन रेसिपी है वो अभी तक नहीं बन पाई है। लेट्स सी क्या बनेगा। ये रेडी टू कुक मील लेके आए थे, लेकिन पूरा कुक करना पड़ा है। ये क्या बना दिया भाई, पुलाव बनाने बोला था, ये क्या खिचड़ी बन गई है। अभी बज रहे सुबह के 8:30, और ये है हमारा जॉर्जिया में 4th डे। तो आपको जैसा पता है कि लास्ट हम कज़बेकी में रुके थे, तो हमने आज कज़बेकी से चेकआउट कर लिया है, और हम आ गए हैं यहाँ के सेंटर पॉइंट पे, जहाँ से सारी टैक्सीज एंड बसेस मिलती है। तो अब हमको जाना है टिबलिसी, और टिबलिसी से हम जाएंगे कुटैशी, क्योंकि कज़बेकी से डायरेक्ट कुटैशी की कोई भी बस या टैक्सी या कुछ भी नहीं चलती, आपको टिबलिसी जाना ही पड़ेगा। और टिबलिसी जाने के लिए हमको लिए ये मिनी बस, इस मिनी बस में हम लोग जाने वाले हैं। ये देखिए, ये जाएगी टिबलिसी, और इसका 15 लारी पर पर्सन है चार्ज, जो आपको टिबलिसी सीधे पहुंचा देगी। यहाँ से डिपार्चर टाइम है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, 12, हर एक घंटे में यहाँ से चलती है। बस अब स्टार्ट होने ही वाली है, एक्चुअली ये ना भरने का वेट करती है, अगर ये भर जाती है ना तो 9 बजे से पहले भी स्टार्ट हो जाती है, और ये ऑलमोस्ट फुल हो गई है। लोग आ ही रहे हैं, क्योंकि सबको पता होता है यहाँ पे इतने टाइम पे बस चलती है, तो बहुत सारे लोग हैं। अब हम लोग निकलने वाले हैं टिबलिसी के लिए, और टिबलिसी में अगर टाइम मिला तो हम एक दो प्लेस और देखेंगे, नहीं तो फिर कुटैशी के लिए हमारी 4:30 बजे की बस है।
वाओ देखो बादल पूरा नीचे आ गया, हम बादल के अंदर से जाएंगे। अमेजिंग यार। यार सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम लोग एकदम क्लाउड के अंदर है। पता नहीं ड्राइवर गाड़ी कैसे चला रहे, देखो एकदम विजिबिलिटी जीरो है, बहुत ही हल्का हल्का सा दिख रहा है। ये थोड़ा डेंजरस है। ये है टबलिसी का बस स्टॉप। यहाँ से ना आपको बहुत सारी मिनी वैन, मिनी बस, इवन टैक्सीज जो है गुडौरी के लिए, कस्बेकी के लिए, हर जगह के लिए आपको बस मिल जाएंगी। ये देखिए नौ बजे हम लोग कस्बेकी से निकले थे और 12 बजे जो है हम पहुंचे टबलिसी। टबलिसी आने के बाद बहुत तेज़ भूख लगी थी, सुबह से कुछ ऐसा हैवी खाया नहीं था, तो हमने सर्च किया तो हम पहुंच गए द ग्रेट इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे बहुत सारा इंडियन खाना मिल रहा है, इवन यहाँ का जो मेन्यू है इतना वाइड है ना, अभी तक मैंने इतने इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर मैं आई हूँ, यहाँ का जो मेन्यू है ना वो सच में काफ़ी वाइड है। और बाकी जितने भी जगह इंडियन खाना खाने हम गए थे ना, वो जस्ट खाना पूर्ति थी कि हाँ दो चार चीज़ें आपको वेज में मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर वेज का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप टबलिसी आते हैं और अगर इंडियन खाना मिस कर रहे हैं तो आप ग्रेट इंडियन किचन आकर खाना खा सकते हैं। ये क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, हालांकि लिबर्टी स्क्वायर और मैदान स्क्वायर से ये आपको थोड़ा सा दूर पड़ेगा, लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू ईट समथिंग इंडियन सो यू कैन कम हेयर डेफिनेटली। तो हमने डोसा ऑर्डर किया है और ये डोसा आया, यार दिख तो बड़ा ही अमीर आया, और मेरे से वेट नहीं होगा, मैं बस खाती हूँ। दूसरा ऑर्डर ये पराठा किया है, मिक्स पराठा, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। टबलिसी में बहुत ही अच्छा लंच करने के बाद ना हमारे पास टाइम है, हमको आज कुटेशी जाना है, जो हमारी बस है जो 4:30 बजे की है, तो अभी हमारे पास 2 घंटे टाइम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया देख आए, क्योंकि हमने उस दिन नहीं देखा था। तो हम लोग यहाँ आ गए देखने के लिए। सीढ़ियाँ स्टेयर से जाना पड़ेगा ऊपर तक, ऊपर है ये थोड़ा। कस्बेकी में ना काफ़ी ठंड थी, यहाँ तो ठंड नहीं लग रही है, इवन धूप है, काफ़ी सनी डे है यार। This monument of Georgia represent the religious and historical heritage of the country. क्योंकि यहाँ पे बने ये 16 pillars में Georgia के religion के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, जैसे Jesus Christ की life से जुड़े important किस्से और उनकी teachings। साथ ही pillars के ऊपर के parts में Georgia की history, जैसे यहाँ पे शासन करने वाले राजा और रानी और उनके साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। देखने से लगता है जैसे ये मॉन्यूमेंट अपने आप में ही कंप्लीट है, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि ये अभी भी अधूरा है। इसके पीछे के पार्ट से टबलिसी सी का व्यू बहुत ही शानदार आता है। यहाँ से सामने देखे, ये एक लेक है, मैनमेड लेक है, जिसका नाम है टबलिसी सी। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सी है, बट ये सी नहीं है, ये चारों तरफ से कवर्ड है। और सामने वहाँ पर बीच जैसा भी एक पोर्शन बना हुआ है जहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ हो रही है, तो आप वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं। वो वे है नीचे जाने का, आप वहाँ से बीच में जा सकते हैं। ये जो है ना क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया, ये थोड़ा आउटर में है। फर्स्ट डे पर हमने देखा था वो सारी चीज़ मेन सिटी में थी, ओल्ड टबलिसी सिटी में है, ये आउटर सिटी में है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा मेन सिटी से यहाँ आने में, बट ओवरऑल वर्थ कमिंग है। बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट है, आप आकर एक बार ज़रूर इसे देख सकते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं टबलिसी से कुटेशी, ये बस हमने कराई है, तो पहले हम बैग रखेंगे एंड देन हम जाने वाले हैं इस बस से, आज कुटेशी पहुंचेंगे। इस तरह की बसेस आपको मिल जाएंगी, आप ट्रेन से भी कुटेशी जा सकते हैं, लेकिन हमें ना ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी इसलिए हमने ये बस करा ली। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो बस से जाते हैं, ये बाटुमी तक जाती है, तो आप बाटुमी भी इससे बस से जा सकते हैं।
सामान रखने के लिए भी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। टिब्लिसी से कुटेशी की ये बस आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसकी टिकट 30 लारी पर पर्सन है। टिकट में ही बस स्टॉप का एड्रेस मिल जाएगा जहां से आपको बस बोर्ड करनी है। रोड्स आर क्वाइट स्मूथ एंड पिक्चरस्क्यू। वन विल एंजॉय द जर्नी फॉर स्ट्रेट 3.5 आवर्स। बस में फ्री कॉफी एंड जूस भी मिल रहा है। कुटेशी एंटर करते ही यहाँ की ओल्ड बिल्डिंग्स एंड सिटी को देखकर लगा कि हम यूएसएसआर के एरा में आ गए हों। ये सिटी भी टिब्लिसी की तरह वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ बहुत सी नेचुरल केव्स एंड कैनियंस और नेचुरल ट्रेल्स भी देखने लायक है। तो अगले व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कुटेशी सिटी के बेहतरीन नज़ारे। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू रॉक एंड रील। पुरानी बिल्डिंग्स का अलग ही वो लगता है मेरे को यार, फैसिनेशन। अब ना वहाँ पे लगेज उतार रहा है। बस स्टॉप पे उतर के हमने कैब भी कर ली थी और ये आ गई है। अब जा रहे हैं सीधे अपने होटल। हमारा होटल है बाटुमी स्ट्रीट पे। बाटुमी स्ट्रीट, हाँ, 6 बाटुमी स्ट्रीट। ये कुटेशी है मालिक, बाटुमी स्ट्रीट। ओके, हमारा मुंबई हाईवे होता है ना, वैसे। ओके, अभी बज रहे हैं रात के 8:15 और ऐसी शाम हो रही है यहाँ पे। हम लोग पहुँच गए हमारे होटल, लेमन होटल करके हमने जो बुक किया था, ये है वो। सो ये है हमारा यहाँ का एकदम छोटा सा कोजी रूम। यहाँ पे ना सिर्फ ट्विन बेड है, डबल बेड नहीं है साथ में, तो अच्छा है, थोड़ा सा पर्सनल स्पेस भी मिलेगा। और ये ऐसा इधर से व्यू आता है,